हेलो एवरीवन, वेलकम टू द होप स्टडी। आज हम लोग साइंस क्लास 7th चैप्टर 1 का डिटेल स्टडी करेंगे, जो कि आपके स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है। इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद हम लोग NCERT का टोटल सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। देन एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपके लिए मैं दे दूंगा, जो आप खुद से सॉल्व कर लोगे। बस आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो ये थोड़ा सा हमें समझना होगा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या होता है। तो ये समझने से पहले मैं आपको एक दो इमेज दिखा रहा हूँ और फिर आते हैं हम लोग इस चैप्टर पे। आप इस इमेज को देखिए, ये है पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स। क्लास 9th में डिटेल स्टडी करोगे आप, बट अभी ये न्यूट्रिशन को समझने के लिए हम ये देख रहे हैं। देखिए, आप यहाँ जो भी कुछ देख पा रहे हो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब कुछ, ये सारे चीज़ें एलिमेंट्स, इनको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्स। तो ये एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो देखिए, आप खुद को देखिए, मुझे देखिए और आसपास में जो भी कुछ है उन सब चीज़ों को देखिए, या इस यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे धरती पे हर चीज़ जो भी कुछ आपको दिख रहा है वो सब की सब इन्हीं चीज़ों से मिल करके बना हुआ है, इन्हीं एलिमेंट्स से मिल करके बना हुआ है। कोई भी थिंग आप जो देख रहे हो वो इन्हीं एलिमेंट्स से मिल करके बना हुआ है, ठीक है, वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो। तो प्लांट्स क्या है? लिविंग्स है, वो भी इन्हीं से मिल करके बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ एक बात बता रहा हूँ मैं, एक घर को बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? ब्रिक्स, स्टोन्स, कॉन्क्रीट्स, रॉड, स्टील्स, है ना, सीमेंट, सैंड, वाटर, ये सब। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो घर कभी टूटेगा या उसमें से कभी उसको रिपेयरिंग की ज़रूरत होगी या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होगी, कुछ उसमें चेंजिंग की ज़रूरत होगी या उसे आगे और बड़ा करने के लिए उस घर को, इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो आप इसे समझिए, जब इन एलिमेंट्स से मिल करके हर चीज़ बना हुआ है, यहाँ हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स भी इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं एलिमेंट्स से मिल करके बना हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए भी इन्हीं एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए भी इन्हीं एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो कहीं कटता है, टूटता है, तो वहाँ से फिर से न्यू ब्रांच के लिए, लीव्स के लिए, फ्लावर्स के लिए, फ्रूट्स के लिए, रूट्स को ग्रो करने के लिए इन्हीं एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, इन्हीं एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इन्हीं से मिलकर बना है प्लांट्स, ठीक है। प्लांट में मोर देन 60 एलिमेंट्स यूज होते हैं प्लांट, एक प्लांट को बनने के लिए, एक एवरेज है ये, ठीक है, मोर देन 60 एलिमेंट्स। तो लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, प्लांट जो है डायरेक्ट इन चीजों का यूज सीधे इस फॉर्म में यूज नहीं कर सकता है डायरेक्ट। जैसे आप देखो, आपको अगर प्यास लगी, प्यास को बुझाने के लिए आप क्या लेते हो? पानी पीते हो ना। लेकिन आपको पता है ना, पानी का, वाटर का जो केमिकल स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है, वो है H2O, यानी दो हाइड्रोजन, ठीक है, और एक ऑक्सीजन मिल करके वाटर बनाते हैं। तो मैं अगर कहूँ कि आपको हाइड्रोजन अलग से दिया जा रहा है, ठीक है, दो एटम हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, एक अलग अलग करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिया जा रहा है आपको, आप उसे कंज्यूम करो और अपनी प्यास बुझा लो, आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन वही जब जुड़ करके वाटर बनाएगा, फिर वो वाटर आप ड्रिंक पियोगे, तो फिर आपकी प्यास बुझ जाएगी। तो वहाँ कुछ ना कुछ चेंजिंग हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही प्लांट भी जो है, ये डायरेक्ट इन चीज़ों का यूज नहीं करता है, वो जब भी लेता है इन सब चीज़ों को, ये इन सब एलिमेंट्स को, ये सब सॉइल में है, एटमोसफेयर में है, ये अवेलेबल है आपके आसपास चारों तरफ। तो जब ये एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब करता है, तो या तो चेंज करता है, खुद चेंज करने की एबिलिटी है प्लांट्स में, तो या फिर चेंज फॉर्म को लेता है, या फिर खुद ले करके पूरा उसको चेंज करके, मॉडिफाई करके, और फिर वो यूज करता है, ठीक है, इन एलिमेंट्स का। तो
जब प्लांट इन एलिमेंट्स को लेता है एटमॉस्फेयर से, अपने एनवायरनमेंट से, और उसमें या तो चेंजिंग करता है या चेंज फॉर्म में लेता है, और जब वो कंप्लीटली फाइनली चेंज्ड फॉर्म बनाता है किस लिए, अपने यूज करने के लिए, तो वो जो चेंज करता है इन सब एलिमेंट्स को, या जोड़ जोड़ करके या उसमें मॉडिफाई करके कुछ, तो वो जो भी कुछ बनाता है अपने कंज्यूमिंग के लिए और ग्रो करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, उसको बोलते हैं प्लांट का फूड, ठीक है, या ग्लूकोज या शुगर या कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, उन्हीं सब चीज़ों को बोलते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है। और आपको पता है इन पांचों का एक वर्ड में कलेक्टिव नेम है न्यूट्रिएंट्स, समझ रहे हैं आप। और उस न्यूट्रिएंट्स का प्लांट जब यूटिलाइज करता है, यानी प्लांट अपने पूरे पार्ट्स में सही तरह से यूटिलाइज करके ग्रो करता है, खुद को सर्वाइव करने में मदद कर पाता है खुद से, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। और जब न्यूट्रिशन के कारण प्लांट हेल्दी रहता है, उसका कोई भी पार्ट, तो बोलते हैं कि न्यूट्रिशन के कारण प्लांट का ये पार्ट या ये बॉडी पार्ट को नरिशमेंट किया गया है। आप समझ गए? तो देखिए, अगेन मैं एक बार और बोल दे रहा हूं शॉर्ट में, ये सारे एलिमेंट्स से मिलकर के बना हुआ है सब कुछ, प्लांट्स भी इन्हीं एलिमेंट्स से मिलकर के बना हुआ है, तो लेकिन प्लांट्स डायरेक्ट इन सब एलिमेंट्स का यूज नहीं कर सकता, वो कुछ ना कुछ चेंजिंग करता है, जोड़ता है, कुछ ना कुछ बनाता है, देन वो कंज्यूम करता है, तो वो जो बनाता है तो उसको बोलते हैं प्लांट का फूड, और दूसरे लैंग्वेज में बोलेंगे, दूसरे वर्ड में उसको न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ठीक है। और इन न्यूट्रिएंट्स का यूज करके जब प्लांट्स यूटिलाइज कर पाता है प्लांट का हर पार्ट्स, है ना, सही तरह से, और खुद को सर्वाइव रख पाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग न्यूट्रिशन, सही। और न्यूट्रिशन के कारण, सही तरह यूटिलाइजेशन के कारण प्लांट्स का हर पार्ट्स हेल्दी है, तो बोलेंगे कि प्लांट्स ने अपने पार्ट्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाया है। बिल्कुल वैसे ही हम लोग भी करते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं प्लांट्स से, प्लांट पार्ट, या कहीं से भी न्यूट्रिएंट्स आप ले रहे हो जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, ये सब कुछ है, है ना, प्रोटीन्स, तो जब आपकी बॉडी उस न्यूट्रिएंट्स का सही तरह से यूटिलाइज करेगी, फूड में ये सारे चीज़ प्रेजेंट होते हैं, तो हम फूड लेते हैं, तो उसका यूज जब बॉडी करेगी सही तरह से, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन के कारण आपका पूरा बॉडी हेल्दी रहता है, तो आप क्या बोलोगे कि आपने सही तरह से अपने बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाया है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, देखिए अब इसी में क्या है, तीन तरह के प्लांट्स है मेनली आपको जो पढ़ना है, आप पूरा बस इतना आप समझ जाओगे तो पूरा लेसन ही आपका क्लियर हो जाएगा। तो तीन तरह का प्लांट है, आप अपने क्लास में इमेजिन करो तीन तरह के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। एक ग्रुप में उन स्टूडेंट्स को रखिए जो कि घर से ही ब्रेकफास्ट करके आते हैं और लंच भी लेकर के आते हैं घर से ही, और फिर वापस जा करके घर पे ही डिनर भी करते हैं और फिर अपना सोते हैं, यानी खाना उनको जहाँ से भी मिलता है वो घर है, घर से ही वो खाना खाते हैं और उसी से न्यूट्रिएंट्स मिलता है, फिर न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइज होकर न्यूट्रिशन होता है, फिर न्यूट्रिशन के कारण उनके बॉडी को नरिशमेंट मिलता है, यानी वो ठीक रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में ये रखा, सेकेंड ग्रुप में उन स्टूडेंट्स को रखिए जो कि घर से ब्रेकफास्ट करके आते हैं लेकिन कैंटीन में लंच करते हैं या कहीं से भी रेस्टोरेंट से कुछ फूड लेकर के कंज्यूम करते हैं, तो लंच के लिए वो डिपेंड है बाहर, ठीक है। तो 50% आप घर से मान लीजिए उनका फूड प्रोवाइड हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं उनको, और 50% बाहर से। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हॉस्टल में रह रहे हैं, अगर आपके स्कूल में हॉस्टल है तो वो ब्रेकफास्ट भी हॉस्टल में ही करते हैं, लंच भी हॉस्टल में ही करते हैं, डिनर भी हॉस्टल में ही करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ वो 100% स्कूल पे डिपेंड है, बाहर घर के बाहर डिपेंड है। तो प्लांट्स भी ये तीन तरह के आपको पढ़ने होंगे, एक वो प्लांट है जो कि 100% अपना खुद से इन एलिमेंट्स का यूज करके प्रोटीन या जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो खुद ही बना लेता है और खुद उसका यूटिलाइज करके यानी न्यूट्रिशन करके खुद को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं और ग्रो करता है, सर्वाइव करता है लंबे समय तक। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि 50% अपना तो इन एलिमेंट्स का यूज करके न्यूट्रिएंट्स बना लेते हैं और न्यूट्रिशन होता है देन नरिशमेंट भी होता है, बट 50% बोल रहा हूँ मैं, 50, 60, 70,
तो कुछ के लिए डिपेंड रहते हैं बाहर, इसका मतलब यही हुआ। तो वो किसी और प्लांट से लेते हैं, दूसरे कैटेगरी में वो प्लांट सजाते हैं, और थर्ड कैटेगरी में वो प्लांट सजाते हैं जो कि 100% किसी और पे डिपेंड रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टूडेंट्स का एग्जांपल दे दिया है, आई थिंक आप समझ गए हैं, क्लास सेवेंथ में है, इतना तो आपके पास कॉमन सेंस ही है। अब यही है पूरे लेसन में, आप समझ चुके हो। अब आप अपना बुक भी देखोगे उठाकर, तो आप समझ जाओगे कि अच्छा यही था। ओके चलिए एक इमेज और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि देखो आप इस इमेज में दिया हुआ है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट ग्रोथ। देखिए इन इन चीज़ों की कमी या ज़्यादा होगी, जैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है ये, तो मैक्रो मीन्स होता है, मैक्रो मीन्स बड़ा या ज़्यादा, तो इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है प्लांट्स को। देखिए आपने पीरियोडिक टेबल में देख लिया था ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, ठीक है, सॉइल से। बाकी देखो आप, लाइट एनर्जी चाहिए, ये सब चीज़, एयर चाहिए, ठीक है, माइक्रो थोड़ा थोड़ा कौन सा इनको ये एलिमेंट्स चाहिए, तो ये है आयन, उसके बाद आप ये खुद से पढ़ लीजिएगा। आप देखो यहाँ पर ये इतना इतना ये परसेंटेज है, पूरा कॉम्पोजिशन है, इतना कुछ प्लांट में रहता है इस तरह के ये एलिमेंट्स, तब जा कर के एक प्लांट बना हुआ रहता है। ठीक है आप समझ गए, पूरा का पूरा हर चीज़ डिपेंड किस पे, एलिमेंट्स पे, ये पूरा गेम ही एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है चलो अब हम लोग अपने चैप्टर पे चलते हैं। देखो आप, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, द फूड गिव्स एनर्जी टू द ऑर्गेनिज्म्स फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी फंक्शंस। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द components of food. These components of food are necessary for our body and are called nutrients. आपको पता है ये सारे ऑर्गेनिज्म जो भी लिविंग बींग्स हैं, मैंने बोल तो दिया नॉन लिविंग या लिविंग सब कुछ एलिमेंट से ही बना हुआ है। तो यहाँ लिविंग की बात करें और प्लांट्स की बात करें, तो सभी लिविंग बींग्स को फूड की ज़रूरत होती है। ओके वो फूड क्यों चाहिए उनको, क्योंकि उस फूड में कुछ प्रेजेंट है जो कि उन्हें क्या प्रोवाइड करवाता है, वो बढ़ने में, ग्रो करने में हेल्प करता है, एंड एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, और उनको मेंटेनेंस रखता है उनके बॉडी को, यानी कि रख रखाव सही तरह से देखभाल कर पाता है वो चीज़, और फंक्शन काम भी करना है, तो उसके लिए वो चीज़ चाहिए, एलिमेंट्स का चेंज फॉर्म चाहिए, यानी एनर्जी, आप एक वर्ड में बोलिए एनर्जी चाहिए। तो वो सारे मैंने नाम बता ही दिया था कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ओके ये सब कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। कंपोनेंट्स क्या होता है, किसी चीज़ का पार्ट उड़ जा, तो फूड के अंदर ये सारे चीज़ होते हैं, तो इसलिए इनको कंपोनेंट्स बोलते हैं। जैसे ये आप मोबाइल में क्या क्या है कंपोनेंट्स, मदरबोर्ड है, बैटरी है, ठीक है, स्पीकर है, सिम स्लॉट है, एसडी कार्ड स्लॉट है, कीबोर्ड है, ठीक है, ये सारा चीज़ आप कंपोनेंट समझते हो, तो ये सब फूड के अंदर है, तो इसलिए फूड का कंपोनेंट्स बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स को। ओके तो दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, हाँ बिल्कुल सबके बॉडी के लिए ज़रूरी है, तो इनको बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स। और इन न्यूट्रिएंट्स का यूज़ जब होगा, न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाई एन ऑर्गेनिज्म, इसका लेना, न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स को लेना, और यूटिलाइजेशन बाई द बॉडी, बॉडी के द्वारा उसका यूज़ करना को बोलेंगे हम लोग न्यूट्रिशन, ये एक प्रोसेस है। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड व्हाइल ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। देखिए जो हरे पौधे होते हैं वो खुद से अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, यानी कि उन एलिमेंट्स का चेंज करके, मॉडिफाई करके, मैंने पहले ही बता दिया है, खुद से वो चीज़ बना लेते हैं, वो जो भी चाहिए न्यूट्रिएंट्स वो बना लेते हैं, बट हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें हमारे चारों तरफ भी प्रेजेंट है वो सारे एलिमेंट्स, बट हम उनका यूज़ करके खुद से सर्वाइव नहीं कर सकते, खुद से उसका न्यूट्रिएंट्स नहीं बना सकते हैं, ठीक है, प्लांट कर पाते हैं। तो हम लोग किस पे डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, या एनिमल्स भी प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, डिपेंड रहते हैं हम लोग प्लांट्स पे ही। जैसे आप बोलोगे डायरेक्टली क्या है, तो डायरेक्टली मतलब क्या, आप चावल खाओ, दाल खाओ, सब्जी खाओ, ये तो डायरेक्ट हम लोग प्लांट्स का पार्ट यूज कर रहे हैं ना। लेकिन अब आप बोलोगे मीट खा रहे हैं, तो वहाँ प्लांट कहाँ से आए, तो मीट, जिस एनिमल का आप मीट खा रहे हो वो भी किसी ना किसी प्लांट को खा रहा है, या किसी ना किसी प्लांट्स पार्ट को खा रहा है, ठीक है, तो इनडायरेक्टली हो गया ये,
कि हम डायरेक्ट प्लांट को तो नहीं बट उस चीज़ को खा रहे हैं, उस एनिमल को खा रहे हैं जो कहीं ना कहीं प्लांट को खा रहा था, ठीक है। तो इस तरह से इनडायरेक्टली हम लोग डिपेंड है प्लांट पे ही। ओके चलिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, कितने तरह का न्यूट्रिशन होता है। तो देखिए, दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म आर कैटेगराइज्ड इनटू टू मेजर टाइप्स, यानी कि अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन को मेनली दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है ना। किस किस तरह से, क्या है तरीका न्यूट्रिशन का, तो दो तरीके से न्यूट्रिशन होता है। फर्स्ट है ऑटोट्रॉप्स, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ट्रोफोस मीन्स होता है नरिशमेंट, यानी कि खुद से खुद का नरिशमेंट करना, यानी कि खुद ही एलिमेंट्स को लेना, खुद ही उसको मॉडिफाई करना और न्यूट्रिएंट्स बनाना और खुद ही उस न्यूट्रिएंट्स का यूज करना और उस यानी कि न्यूट्रिशन करना और उससे खुद को हेल्दी रखना, सर्वाइव करने में मदद करना, यानी कि नरिशमेंट प्रोवाइड करवाना, ठीक है। ये तो खुद हो गया। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड, खुद से ये सारा चीज करते हैं फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस, क्या क्या यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ये H2O वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये किस में होता है, ये किस में होता है, प्लांट्स में होता है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट कर पाता है, ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि प्लांट खुद ही ये सब चीज कर पाता है, इसलिए हम प्लांट को बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ओके नेक्स्ट है हेटरोट्रॉप्स, ठीक है। हेटरो मींस होता है अदर और ट्रॉप्स मींस आपने समझ ही लिया नरिशमेंट, यानी कि किसी और पे डिपेंड रहना। किस चीज के लिए, फूड के लिए, फूड में है न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का यूज करके हमारा जो बॉडी यूटिलाइज करती है तो न्यूट्रिशन बोलते हैं, और न्यूट्रिशन के कारण नरिशमेंट मिलता है, बॉडी को हेल्दी रखने में मदद कर पाता है न्यूट्रिशन का प्रोसेस, तब हम लोग बोलते हैं नरिशमेंट। तो इसके लिए किसी और पे डिपेंड रहना, ठीक है। तो इसमें क्या है, ह्यूमंस एंड एनिमल्स, हम लोग खुद से इन सब एलिमेंट्स का यूज करके, जो कि हमने पीरियोडिक टेबल में देखा था, न्यूट्रिएंट्स नहीं बना सकते, ठीक है। इसलिए डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि क्लोरोफिल चाहिए हमें वो चीज़ बनाने के लिए, यानी एलिमेंट्स के यूज करके न्यूट्रिएंट्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है, ना हमारे पास है ना एनिमल्स के पास है, एंड आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड इन रेडीमेड फॉर्म। रेडीमेड क्या होता है, पहले से बना बनाया। तो हाँ बिल्कुल, प्लांट का हम लोग फूड बना बनाया ही लेते हैं, हम लोग थोड़ी ना प्लांट का कोई फूड लेते हैं और उसमें फिर से कुछ न्यूट्रिएंट्स चेंज करते हैं और तब यूज़ करते हैं, नहीं, वो जो भी होता है प्लांट प्रोवाइड करवा देता है हमें कंप्लीट। बस हमें क्या कभी कभी करना पड़ता है, पकाना पड़ता है, कुक करना पड़ता है, क्योंकि कच्चा नहीं खा सकते। तो दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड टेक फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखिए, तो हम लोगों को हेटरोट्रॉप्स बोला जाता है या एनिमल्स को भी हेटरोट्रॉप्स, क्योंकि दूसरे से हेटरो मीन्स वही अदर और नरिशमेंट, यानी किसी और पे डिपेंड रहना नरिशमेंट के लिए, बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए, तो हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं। और इस न्यूट्रिशन को, यानी ये जो विधि है, ये जो मेथड है न्यूट्रिशन का, इस मेथड को बोलते हैं हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और इसको क्या बोल सकते हो आप, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। घर में जब खाना बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम लोग कुकिंग बोलते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को कुकिंग बोलते हैं। लेकिन जब प्लांट में वो सेम प्रोसेस होता है खाना बनाने का प्रोसेस, तो उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है, यानी कि फूड प्लांट द्वारा फूड बनाने की प्रोसेस। ओके तो चलिए, फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट, सिंथेसिस मीन्स क्या होता है, बिल्डिंग अप। तो क्या बिल्डिंग अप, बिल्डिंग अप मीन्स कुछ बनाना, कुछ जोड़ करके एक साथ कुछ बनाना, जैसे ईंट पड़ा हुआ है बहुत सारा, उस ईंट को आप तब तक ईंट बोलोगे जब तक वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन जब आप एक अरेंज्ड फॉर्म में उसे जोड़ करके आप एक साथ एक लंबा पूरा खड़ा कर दोगे तो उसे बोलेंगे वॉल, ठीक है। तो ऐसे ही देखते हैं इसमें क्या है, द प्रोसेस बाई विच ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। देखिए, ग्रीन प्लांट्स जो है सिंपल
इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक मीन्स जो लिविंग नहीं है। तो पीरियोडिक टेबल में जो भी हमने एलिमेंट्स देखा वो लिविंग थोड़ी है, लिविंग नहीं है या लिविंग थिंग से नहीं आए, वो नॉन लिविंग है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब नॉन लिविंग है, ठीक है। तो इन सब का यूज करके और वाटर का यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट जब प्रेजेंट हो तब, एंड ग्रीन पिगमेंट और क्लोरोफिल, और ग्रीन पिगमेंट जब प्लांट में हो तब इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। यानी कि एक ग्रीन प्लांट सूखा हुआ पौधा नहीं बना सकता है, तो एक हरा पौधा होना चाहिए जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट हो। अभी क्लोरोफिल क्या होता है, तो ग्रीन पिगमेंट होता है। आप कोई लीफ लेकर के इस तरह से आप उसको निचोड़िएगा, ठीक है, रब कीजिए, निचोड़िए, तो उसमें से लिक्विड निकलेगा, जूस, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल होना चाहिए प्लांट के पास, यानी प्लांट हरा भरा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, सनलाइट होना चाहिए, मिलना चाहिए उसको, और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर से मिल जाएगा, और वाटर रूट से, रूट सब का यूज करके एक साथ कलेक्ट फॉर्म में यूज करके क्या बिल्ड करता है, ये फूड बिल्ड करता है, जिस और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये होता कहाँ पे है, ठीक है। तो आपको पहले ही बता दिया मैंने, फिर भी रीड कर रहा हूँ। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन लीव्स, ग्रीन लीव्स में होता है, ठीक है। इसलिए ग्रीन लीव्स को हम लोग बोलते हैं फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, द ऑन अकर अदर ग्रीन। यहाँ पे जब आप रीड करोगे तो अदर ग्रीन पार्ट्स में भी फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, लाइक प्लांट्स स्टेम में भी होता है। लेकिन स्टेम में जो फूड प्रिपेयर होता है तो वो इनफ नहीं होता है प्लांट के लिए, ठीक है। ये जितना चाहिए वो स्टेम कम्प्लीटली नहीं कर पाता है। तो यानी कि लीफ में भी चाहिए और स्टेम में भी चाहिए। और बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो कि लीफ उनके पास है ही नहीं, फॉर एग्जांपल कैक्टस है ना, तो स्टेम में ही जो होता है। तो आप इसीलिए देखोगे कैक्टस बहुत बड़ा बड़ा पौधा नहीं होता है, ओके। जितना नीड्स है उसको फूड की, उतना सिर्फ स्टेम में नहीं हो पाता है। तो लीव्स चाहिए बहुत सारे, ठीक है, और स्टेम में भी होता है फोटोसिंथेसिस। तो ये हो गए उसके साइट, यानी वो प्लेस जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट देखिए आप इसमें रिएक्शन, रिएक्शन इन्वॉल्व, यानी कि वो प्रतिक्रिया, यानी किस एलिमेंट्स का यूज करके या चेंज्ड फॉर्म को यूज करके क्या बना रहा है प्लांट, वो देखते हैं हम लोग। देखो आप, द होल प्रेजेंस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये है इक्वेशन, आप देखो क्या चाहिए प्लांट को, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एयर से मिलता है उसे, वाटर चाहिए फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से ले लिया रूट के थ्रू, ठीक है, सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल होना चाहिए उसमें प्लांट में। तो ये सब एक साथ मिल करके क्या बनता है, फाइनली रिएक्ट करके ये सब क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, जिसे कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ये प्लांट का फूड है, ठीक है। और फिर एक चीज रिलीज होती है, रिलीज्ड वो एक्स्ट्रा है प्लांट के लिए, वो प्लांट उसका यूज नहीं करने वाला है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है, ओके। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड आपने यहाँ CO2, H2O और प्लस सनलाइट, एनर्जी और क्लोरोफिल यहाँ होना ज़रूरी है, ये चाहिए। तो इससे बनता क्या है, C6H12O6 बनता है, जो कि फूड ऑफ प्लांट है, ओके। और रिलीज क्या होता है, यानी कि निकलता क्या है, जो कि एक्स्ट्रा है वो प्लांट के लिए यूजफुल नहीं है, वो बाई प्रोडक्ट है 6O2 ऑक्सीजन, जो कि हमारे ब्रीदिंग के लिए ज़रूरी है। यानी हम ये है ऑक्सीजन तो हम लोग जिंदा हैं, ओके। चलिए, तो ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर हो गया, आप देख लीजिएगा, ये मिल करके ये बनाते हैं, और ये है इसका केमिकल स्ट्रक्चर, और ये रिलीज होता है उसमें से। आप जब ये पूरा लर्न करोगे तो इसमें यही मिलेगा। देखिए, ये सेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सेल है ये, सेल कोशिका बोलते हैं। तो सेल बीच में क्यों आ गया, हम लोग प्लांट्स की बात करें, क्योंकि देखिए हर लिविंग बींग सेल से ही मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। बहुत सारे आपके बॉडी में ऑलमोस्ट, आप अगर 10-12 ईयर्स के हो तो 13 के आसपास हो, तो आपके बॉडी में ऑलमोस्ट कम से कम 30 ट्रिलियन के आसपास सेल्स तो प्रेजेंट हैं, उसी से आपकी पूरी बॉडी बनी हुई है। तो इसीलिए देखो आप, सेल का ये जो बाहर वाला जो बाउंड्री वॉल होता है, बाउंड्री यानी कि बाहर वाला जो प्रोटेक्टिव वॉल होता है, एक सेल की अगर बात करेंगे तो, इसकी अगर बात करते तो
ये बाहर वाला, इसको बोलते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके बीच में जो ये ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक एक सेंटर पार्ट होता है, लगभग ये सेंटर पार्ट होता है, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। जैसे आपके बॉडी का सेंटर पार्ट क्या है, आपका नेवल, नाभि, ठीक है। और बाकी ये बाउंड्री वॉल और न्यूक्लियस को छोड़ करके ये बाकी जो भी कुछ है, इसको बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है टॉपिक उस पर। देखिए, द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल दैट इज CO2 इज टेकन फ्रॉम एयर थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। देखिए क्या होता है, पत्तों में छोटे 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 बहुत सारे होल होते हैं, वो आपको पहले से पता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्टोमेटा। स्टोमा जो है सिंगुलर फॉर्म है स्टोमेटा का, और स्टोमेटा मतलब एक साथ बहुत सारे पत्तों में होल। आप यहाँ इमेज देख सकते हो, ग्रीन प्लांट सोइंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए यहाँ से वाटर ले रहा है, ये लीफ है इसका, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स एब्जॉर्ब कर पा रहा है, यहाँ से सनलाइट मिल रही है इसको, ठीक है, और ऑक्सीजन इधर रिलीज हो रहा है, और क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट है। तो वो आप इमेज है, आप इमेज देख लीजिए, ठीक है। तो जब लीव्स फूड प्रिपेयर कर लेता है, यानी न्यूट्रिएंट्स बना लेता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ग्लूकोज, तो वापस से उसी वेन्स, उसी वेसल्स के थ्रू, है ना, उसी जो प्लांट का जो वेसल है, जो पाइप के जैसा स्ट्रक्चर है, उसी के थ्रू न्यूट्रिएंट्स भी पूरे प्लांट्स में फैलाया जाता है, पहुंचाया जाता है, ठीक है। जैसे पानी को पहुंचाया गया लीफ तक, वैसे ही जब वो फूड प्रिपेयर हो जाएगा तो उसको भी पूरे प्लांट्स में उसी तरह से कैरी किया जाता है, तब प्लांट के पास हर जगह, क्योंकि आपको ऐसा थोड़ी है कि हर जगह पे लीव्स अवेलेबल है, नहीं है, स्टेम में हो सकता है लीव्स नहीं हो। जैसे मैंगो ट्री है तो वो बहुत बड़ा स्टेम होता है, देन उसके बाद डालियां होती है, और फिर उसके बाद पत्ते होते हैं डालियों में, ब्रांचेस में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ सिर्फ फूड बन रहे सिर्फ वहीं प्लांट हेल्दी रहेगा, नहीं, जो लीफ ने बनाया तो पूरे प्लांट्स को चाहिए ना वो फूड। तो उसी तरह से जैसे वाटर आया था लीफ के पास, वैसे ही न्यूट्रिएंट्स जब प्रिपेयर हो जाएगा फूड, तो वो जाएगा पूरे प्लांट्स पार्ट्स में, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स प्रोसेस क्लोरोफिल इन देयर लीव्स विच कैप्चर द सनलाइट ऑफ कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। देखिए क्लोरोफिल जो होता है ये सनलाइट को कैप्चर करता है, यानी पकड़ता है, अपने अंदर कैद कर लेता है। वाटर उधर से मिल गया, ठीक है, रूट के थ्रू स्टेम से होते हुए स्टोमेटा से आ गया आपका CO2, ठीक है। इस तरह से ये लोग, दिस लाइट एनर्जी इज यूज टू प्रिपेयर फूड, इस तरह से खाना ये फूड को बना लेता है प्लांट, ठीक है। स्टार्च क्या बोलते हैं, अभी मैं क्लियर कर दूंगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, ऑक्सीजन निकलता है, बाहर निकलता है, ठीक है, रिलीज होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इज द यूनिक प्रोसेस इन विच सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो इस तरह से क्या हुआ, फाइनली हम अल्टीमेटली देखेंगे तो द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सन है, सन वही है अल्टीमेट सोर्स। अल्टीमेट सोर्स मीन्स क्या, असली एनर्जी का जो मेन सोर्स है। सिर्फ सनलाइट आप निकाल दो तो ये फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, फोटो तो लाइट के बिना एनर्जी ये प्रोसेस ही नहीं होगा, तो फूड ही नहीं होगा ना, ऑक्सीजन रिलीज होगा, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स, असली जो एनर्जी का इस अर्थ पे लिविंग बींग्स के लिए, जो असली जो एनर्जी का सोर्स है, मेन जो सोर्स है वो है सन, ठीक है। चलिए, सारे ऑर्गेनिज्म के लिए, प्लांट्स के लिए भी और कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी जीव हो, उसके लिए प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस ये क्या होता है, द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मेनली कार्बोहाइड्रेट। देखिए जो प्लांट प्रिपेयर करता है फूड, उसको बोलते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ओके। इट प्रोड्यूसेस ग्लूकोज, वो कार्बोहाइड्रेट्स बोल रहे हैं ना, वो ग्लूकोज है, उसको ग्लूकोज भी बोलिए। जब वही ग्लूकोज एक से ज़्यादा एक साथ जब स्टोर्ड हो जाएगा, जैसे आपका एक सेल क्या है, सेल है एक कोशिका, एक सेल सेल है, लेकिन बहुत सारे सेल जब एक साथ ऐड हो जाते हैं तो बोलेंगे हम लोग उसे टिश्यू, ठीक है, टिश्यू। जैसे एक ईंट क्या है, ईंट है, लेकिन बहुत सारे ईंट को अरेंज्ड फॉर्म में जोड़ दिया जाएगा, है ना, एक सही डायरेक्शन में सही तरह से
क्या उसको मेजरमेंट लेकर के जोड़ दिया जाता है तो बोलते हैं वॉल। उसी तरह से बहुत सारे ग्लूकोज जब एक साथ ऐड होते हैं तब बोला जाता है उसको स्टार्च। ठीक है, तो ग्लूकोज एज फूड मटेरियल विच लेटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। ग्लूकोज ही है वो, बस एक साथ ऐड हो गया है तो स्टार्च बोल रहे हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो किसी लीव्स में अगर ये आपको चेक करना है कि उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आपको पता ही है फोटोसिंथेसिस होगा तो ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज के स्टोर्ड फॉर्म को हमें स्टार्च बोलते हैं। और अगर स्टार्च नहीं है तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस वहाँ नहीं हुआ होगा। स्टार्च अगर किसी लीव्स में प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि वहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ है।